सभी का फिर से फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ मार्च में होने वाले एग्ज़ाम के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पेपर बाकी है फिटर थ्योरी का, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का एंड एम्प्लॉयबिलिटी का, तो इसमें मैं फिटर थ्योरी के बारे में मैं बता चुका हूँ और अपने चैनल पर मैं एक पुराने पेपर का वीडियो भी डाल चुका हूँ थ्योरी का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसका वीडियो में भी एक बना के डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, उससे आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनका जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है और हमारे 50 नंबर का पेपर होता है और उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे और आप उन्हें कैसे हल करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप इसमें दिखाया गया है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड का पेपर है, 50 नंबर का पेपर है और इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये इंग्लिश का है, ही वुड स्टेप टू डेथ इन अदर देन अ डैश इसमें लगा हुआ आ लोन, तो इसमें इसका आस्क आएगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन, इसका आंसर आस्क होगा। दूसरे नंबर का इट वॉज इजी टू गाइस व्हाट दे हैड बीन डूइंग, तो इसमें भी हमें प्लस भरना है इधर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो मैंने बताया था कि इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते, इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। इसके बाद व्यापक पढ़ाई का अर्थ क्या होता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्यापक पढ़ाई यानी हमने अच्छे से किसी पढ़ाई को किया है तो हम उसकी कौन सी भाषा समझेंगे, मौखिक भाषा समझेंगे या मौखिक टेक्स्ट समझेंगे, सामान्य समझेंगे, ऑडियो समझेंगे, लिखित समझेंगे। यदि हम किसी लैंग्वेज का लिखित टेक्स्ट यदि समझने लगे तो हम उसे अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति समझा जाता है, व्यापक पढ़ाई समझी जाती है, तो उसका वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जब मैसेज वांछित रूप में इनकोड कर लिया जाता है तो इसे कहलाने वाले माध्यम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, यानी भी कोई भी आपने मैसेज को आपने टाइप कर लिया है या आपने मैसेज कोई आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो उसे किस माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, हम चैनल के द्वारा, एक चैनल होता है उसके द्वारा हम माध्यम, जिस तरीके से हम अपना वीडियो अपने फिटर फाइटर चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं उसी प्रकार से चैनल के माध्यम से हम कोई भी मैसेज हम पहुँचा सकते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं पर, किसी बात को आप किसी लिए प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप खुद ही अंधेरा होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश, क्योंकि भाई हम जब किसी बात को समझा रहे हैं और अच्छे से दिखाई देगा तभी तो उसको वो बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, वो है शब्द जो संज्ञा में अधिक अर्थ जोड़ता है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो संज्ञा शब्द में अधिक अर्थ जोड़ना मतलब संज्ञा की विशेषता बताना है, तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, तो ये हमारा विशेषण सी आंसर हो जाएगा। ऊपर इसमें एक क्रिया विशेषण भी दिया गया है, क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन जो है, हमारा ड्रेस कोड पोशाक संहिता संप्रेषण का उदाहरण, यानी हमारा जो ड्रेस कोड होता है, जो कोड होता है ये संप्रेषण का किसका एक उदाहरण है, तो ये मौखिक है, लिखित है, उच्चारित अमौखिक, तो जो हमारी ड्रेस कोड होता है वो अमौखिक होता है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन लेटर है, ये एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, आपकी मुख्य विशेषता तथा काम के लिए आपकी उपलब्धता का विवरण, आपके उद्देश्य की घोषणा, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभवों का सारांश, प्रस्तावना, तो इसका आंसर ई आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन लेटर होता है, जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें अपनी मुख्य विशेषता और काम के बारे में लिखा जाता है जो हम एप्लीकेशन लेटर बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाश संवेदी डिवाइस कौन सी है जो ड्राइंग प्रिंटेड यानी कि ड्राइंग और प्रिंट टेक्स्ट यानी कोई भी मैसेज है, इमेज है, उसको क्या करता है, डिजिटल रूप में प्रारूप करता है और प्रकाश के द्वारा करता है, यानी प्रकाशीय किरणों के द्वारा हमारे ड्राइंग मैसेज और इमेज को हमारे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है, तो उसे कहते हैं स्कैनर। स्कैनर में आपने देखा होगा जब हम कोई कॉपी को स्कैन कराते हैं तो उसमें कोई एक चमक सी, प्रकाश सी आती है, तो प्रकाश के द्वारा उनको क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है, तो इसका आंसर स्कैनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दसवां, एक्सेल में किसी सेल में कोई फॉर्मूला एंटर करने के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेटर से शुरुआत की जाती है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो दोस्त मैंने बोला था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये डी आंसर होगा, इसका बी आंसर गलत आंसर है। इसका 11वां नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, तो ये जो है इसका सी आंसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको आप याद कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद बड़ी फाइलों में कंप्रेस करता है, ये 12वां नंबर क्वेश्चन है, बड़ी फाइलों में कंप्रेस करता है, इसको हम बोलते हैं जिप, विनजिप, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है इसे विनजिप सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसके बाद कंट्रोल प्लस सी, तो कंट्रोल प्लस सी का क्या अर्थ होता है? तो कंट्रोल प्लस जो सी होता है, तो हम कंट्रोल का बटन दबा के प्लस दबा के सी दबा देते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी से होता है, सी मतलब होता है जो सी दिया इसका मतलब होता है कॉपी करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका आंसर तो मैं पहले बता देता हूँ पहला, लेकिन इसमें कंट्रोल प्लस यदि हम दबा देते हैं डी, तो डी से हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर और भी कई ऐसी की होती हैं स्पेशल की जिसमें हम कोई भी काम बिना समय की बर्बादी के जल्दी से कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना। निम्न में से कौन सी विधि सेल कॉन्टैक्ट की एडिटिंग करने की सही विधि नहीं? ये 14वां क्वेश्चन है। तो इसमें सेल कंटेंट की एडिटिंग करने की सही विधि नहीं है। F2 कुंची दबाना ये तो है, सेल पर डबल क्लिक करना ये भी है, फॉर्मूला बार पर क्लिक करना ये भी है, ELT जो होती है ये कंटेंट की नहीं होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर ही इसका राइट आंसर होगा। इसका लेन का पूर्ण नाम है लेल, LAN, लेन, लेन का L से होगा लोकल, A से होगा एरिया, N से होगा नेटवर्क, तो इसका लोकल एरिया नेटवर्क, तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो जिस प्रकार से फुल फॉर्म आपको याद कर लेना चाहिए लेन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं उसमें एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, तो आपको निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें नई स्लाइड जोड़ना है, तो इसके लिए न्यू स्लाइड आना चाहिए, तो इंसर्ट प्लस न्यू स्लाइड ये बट वाला सही रहेगा। इंसर्ट मतलब बीच में किसी चीज़ को जोड़ने को हम इंसर्ट कहते हैं। इसमें फाइल जो दिया है ये नंबर पे ये गलत है, क्योंकि नई फाइल इसमें बन जाएगी। इंसर्ट का मतलब बीच में, न्यू स्लाइड मतलब नई स्लाइड जोड़ना, तो इसका भी आंसर राइट आंसर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन, संचारण नियंत्रण चलने वाली या बाला है, संचारण जो होता है ये संचारण क्या होता है? संचारण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और क्रिया करना, निरंतर मतलब होता है क्रिया, तो ये प्रक्रिया। देखिए इसमें भी आंसर में दिया है, पर्यावरणीय अवरोध डेडेस्क के समान ही ध्वनि उत्पन्न करता है, मतलब पर्यावरणीय अवरोध या पर्यावरण में जो अवरोध होता है वो किसके समान ध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये भौतिकी, भौतिक के समान, इसे भौतिक जो पर्यावरण हमारा होता है वो भौतिक से रिलेटेड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण को लिंग के रूप में माना जाता है, यानी सामर्थ्य और हिंसा का मानवीकरण जो ज़्यादातर रूप माना गया है वो पुरुष को माना गया है, इसलिए इसका आंसर पुरुष आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका 20 क्वेश्चन, शीट्स का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, यानी हमें कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर है तो उसमें कौन सी सीट, प्रोजेक्टर जो है उसके लिए प्रेजेंट करने के लिए किस सीट का हम उपयोग करते हैं? तो इसके लिए एसीटेट फिल्म सीट आती है, तो इसका ए आंसर राइट आंसर होगा। इसको याद कर लिए कि प्रेजेंटेशन के लिए किस सीट का उपयोग करते हैं, तो एसीटेट फिल्म सीट। इसका 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें डेडेस लगा हुआ है आगे, लिसनिंग में मुख्य प्रवृत्ति नियत सूचना की अपेक्षा करना होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है, यानी लिसनिंग मतलब सुनने, मुख्य प्रवृत्ति नियत सूचना की अपेक्षा करना होता है, इसकी प्रशंसा की जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें प्रवृत्ति की सुनने पर जिसकी प्रशंसा करता है, प्रशंसा दिया तो देखिए प्रशंसात्मक, इसका आंसर आएगा प्रशंसात्मक, क्योंकि प्रशंसा करता है तो प्रशंसात्मक होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित होती है, संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि, तो किसकी पृष्ठभूमि रहती है? ये समाज की पृष्ठभूमि रहती है, तो ये समाज इसका राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, तो विभिन्न पार्ट ऑफ स्पीच की फॉर्म्स को समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार होता है, तो ये कितने स्पीच के कितने पार्ट्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं? तो 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स हम ग्रामर के समझ लेंगे तो लिखने सीखने का आधार होता है। इसका 24 नंबर क्वेश्चन, आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए? तो लगभग हमें 25 से 30 मिनट पहले आने की योजना बनानी चाहिए जब हमारा इंटरव्यू हो रहा हो, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसका 25 लास्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को सक्षम मानना तथा खुशहाल रखना क्या है? ये जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करना और स्वयं को सक्षम मानना, ये हमारा स्वैच्छिक विचार होता है, ये घमंड हो नहीं सकता, आत्मसम्मान नहीं होगा और 100% नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी आंसर, स्वैच्छिक विचार। तो इस तरीके से आपका एम्प्लॉयबिलिटी का टेस्ट आएगा जो आपके सिलेबस से थोड़ा हटके रहेगा, तो मैं
आपको लगभग 5 साल के पुराने पेपर जो एम्प्लॉयबिलिटी के हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उन 5 साल के पुराने पेपर को बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको उसमें से क्वेश्चन 100% फंस जाएंगे और आप पास हो जाओगे। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।